शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि पर हम आपको बताएंगे कि भारत ही नहीं दुनिया के इन जगहों पर भी होती है भगवान महादेव की पूजा। This year with this beautiful celebration, it was so full of people and life, and through this experience I always felt in great hands, and I always felt like things were organized in a way that just made so much sense, and I felt so welcomed and so loved and so connected. So I just wanted to thank the DM of Junagadh. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Raya cha vignate cha namah akhirate cha prakhidate cha namo vakirike pyo eva nagum hrudaye pyo namo vikshinate. चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली जगह के बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि वो जगह कोई और नहीं, वो है काबा, जहां अरब का प्राचीन महादेव मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोम के इतिहास लेखक धौद्रस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबियों का अत्यंत पूजनीय है। इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। पूरा विश्व आज काबा का सच जानने को उत्सुक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में काबा में गैर इस्लामिक या कहें कि गैर मुस्लिम का जाना प्रतिबंधित है। इस कारण काबा के अंदर क्या है और इसके पीछे सच का बहुत खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया इस कटु सत्य को जानती है और मानती है कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिरों को तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करवाया है। मक्का के इतिहास के बारे में इसी बात से पता चलता है कि इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए, तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस्लाम की नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्मों का अनादर करना, उनको नेस्ताबूत कर देना, उनके पवित्र स्थलों को खंडित करना, वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण करवाना, और जो भी इस काम में बाधा डालने आया उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया, भले ही वो लोग मुस्लिमों को परेशान न करते हो। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म था और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से होगा। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहां पर है। हज के समय मुसलमान उसी पत्थर को चूमते हैं और उसकी पूजा करते हैं, ये आप सभी ने देखा होगा। दोस्तों, मक्का के बारे में तो आप जान गए, आइए अब दूसरे इस्लामिक देश के बारे में बात करते हैं, जहां महादेव की पूजा होती है, जहां महादेव का प्राचीन मंदिर है, और वो देश है इंडोनेशिया, जहां पर प्रम्बानन मंदिर है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित है। प्रम्बन मंदिर 8 मंदिरों का एक समूह है जिसे स्थानीय तौर पर गोपुर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 850 ईसा पूर्व में हुआ था, सबसे पहले बनाया गया था। भगवान शिव के इस मंदिर के दीवारों पर भगवान विष्णु, हनुमान जी के शिलालेख,
रामायण की तस्वीरें और अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर की अलौकिक सुंदरता देखने लायक होती है। दोस्तों, तीसरा जगह है ऑस्ट्रेलिया का मुक्ति गुप्तेश्वर मंदिर। भगवान शिव का मुक्ति गुप्तेश्वर मंदिर जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर की रोशनी देखने लायक होती है। यह शिव मंदिर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। यह मंदिर देखने में बहुत ही भव्य है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन भक्त दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चौथा जगह है मलेशिया। यहाँ पर अरुल मेगु श्री राजा कल्यामा मंदिर है। यह प्रसिद्ध शिव मंदिर मलेशिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1922 में हुआ था। मंदिर की खासियत की बात करें तो यह मंदिर पूरी तरीके से कांच से बना हुआ है। इसकी दीवारों पर लगभग 3,00,000 रुद्राक्ष की मालाएं जड़ी हुई है और ये मंदिर बिल्कुल ही अद्भुत है। दोस्तों, पांचवी जगह है श्रीलंका। श्रीलंका में भी मुनेश्वर नाम से भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर रामायण काल का बताया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने इसी मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, छठी जगह है नेपाल। पशुपतिनाथ मंदिर को भला कौन नहीं जानता। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो यहाँ भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन के बाद सीधे पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं, उन्हें दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो सातवीं जगह है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, कटास राज मंदिर। पाकिस्तान में भी भगवान शंकर का मंदिर है। पाकिस्तान में कटास नाम के एक पहाड़ी पर भगवान शंकर के इस मंदिर का नाम पड़ा है। कटास राज मंदिर यहाँ का बेहद प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव माँ सती की अग्नि समाधि से बेहद दुखी थे। यहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे थे, जिसे कटास राज सरोवर को बनाया गया था। दोस्तों, तो ये थे वो जगह जो भारत के अलावा महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।